इंडिया में लोगों के पास खाने के पैसे नहीं और तुम पानी की बॉटलें बेचोगे, ऐसी स्टेटमेंट सुनने को मिलती थी डॉक्टर रूसी और खुशरू संतूख को जब उन्होंने 1965 में शुरू किया पैकेज्ड वाटर एंड सोडा का बिजनेस। और ये स्टेटमेंट गलत साबित नहीं हुई क्योंकि 4 साल में ही बेचना पड़ा उन्हें ये अपना बिजनेस, और जिसने ये बिजनेस खरीदा वो थे पार्ले कंपनी के डॉक्टर रमेश चौहान। पर पानी बेचने में भी उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था, उन्होंने ये कंपनी खरीदी थी सोडा के बिजनेस के लिए। लेकिन ये सब बदला 24 सालों में जब पार्ले को बेचना पड़ा अपने सॉफ्ट ड्रिंक्स कोका कोला को, और शुरुआत हुई पार्ले की जीनियस स्ट्रेटजी की। उन्होंने टारगेट किया सभी कस्टमर्स को, इंडिविजुअल्स के लिए 500 की बॉटल्स, शादियों और इवेंट्स के लिए छोटी 250 ml की सैंपल बॉटल्स, फैमिलीज के लिए 1 लीटर, और जहाँ पानी की सप्लाई ना हो वहाँ के लिए बड़ी बड़ी बॉटल्स, देश के कोने कोने में पहुँचने के लिए की गई बॉटल पर रीजनल लैंग्वेजेस में पैकेजिंग। इस कंपनी के सक्सेस होने के आइडिया आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सबसे ज़्यादा डुप्लीकेट बॉटल्स आपको इसी कंपनी की मिल जाएगी, नाम है बिस्लरी।